Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you MRI brain, planning of MRI brain. It is very simple. So let's start. ये सबसे पहले एंट्री डेस्क पे आ गए, पूरा पेशेंट का डेटा फिल कर देना, डिस्क्रिप्शन में डाल देना MRI brain. यहाँ से प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं, ओके, हेड पे क्लिक कर देना. यहाँ पे मैंने एक प्रोटोकॉल रखा है, आप बना सकते हो कुछ भी. एक प्रोटोकॉल रख सकते हो अपना कॉमन. यहां से लिया एक्सेप्ट स्टार्ट स्कैन, एक्सेप्ट. पहले ट्री प्लेन लोकलाइजर लेते हैं, ओके, सेव आरएक्स स्कैन. ऑटो स्कैन पे ऑलवेज डाल देना आप. बहुत ही इजी है. इसका सीक्वेंस रहेगा कोरोनल फ्लेयर, एक्सियल T2, एक्सियल डिफ्यूजन, एक्सियल T1, एक्सियल ग्रेडियंट, एक्सियल फ्लेयर भी ले लेना और सजाइडल T2 एडेड. गीडीनेस वगैरह का कंप्लेन हो तो कोरोनल डिफ्यूजन जरूर ले लेना, मेडुला वगैरह चेक करने के लिए, ओके. कभी कभी टाइनी एक्यूट इन्फार्क्ट रहता है मेडुला में, तो एक्सियल में कभी कभी मिस होता है, सो देयरफॉर कोरोनल डिफ्यूजन जरूर ले लेना. इसका कैलिब्रेशन करना पड़ता है, डबल क्लिक. यहाँ पे कैलिब्रेशन पूरा एरिया कवर कर लो, ओके, सेव आरएक्स स्कैन. सबसे पहले प्लान करते हैं एक्सियल T2. मैं बार बार बताता हूँ, एक्सियल चाहिए तो सजाइटल और कोरोनल के ऊपर प्लान होगा, ओके. ये बेस ऑफ द स्कल, यहाँ पे मेडुला. इमेजेस कम नहीं करना, यहाँ पे मेडुला से सीवी जंक्शन से ही स्टार्ट करना और यहाँ तक वर्टेक्स तक. इसको ये अपना हार्ट पैलेट रहता है ना, उतना टिल्ट, उतना एंगल देना है आपको सजाइटल व्यू में. यहाँ से एंटीरियर टू पोस्टीरियर कोरोनल में देख लेना, पोजीशन सही से चेक कर लेना. इसको भी एक्सियल को एक्सियल विंडो में देख लो कि स्ट्रेट है कि नहीं, ओके. एक्सियल T2 प्लान हो गया, SNR को रीसेट कर देना, सेव RX स्कैन. जी का मशीन है 1.5 टेस्ला MR355 ब्रीवो, ओके. एक्सियल T2 प्लान हो गया, एक्सियल फ्लेयर प्लान करते हैं. सिंपल डबल क्लिक किया, कॉपी RX T2 को ले लो, एक्सेप्ट. सेम टू सेम सब एक्सियल को सेम प्लान कर देना, फिर मैं कोरोनल और सैज प्लान बताता हूँ, ठीक है. एक सबसे पहले किया, फिर सबको सेम वन बाय वन कॉपी ही करना है सिर्फ, सेव RX. यहाँ पे मैंने ऑटो स्कैन पे रखा है, ओके. अभी डिफ्यूजन वेटेड डबल क्लिक किया, ओपन किया, कॉपी RX, एक्सियल को ले लिया, एक्सेप्ट. सेम टू सेम प्लान है, सबको सेम लेना, क्योंकि कोई लीजन वगैरह कुछ मिस हो सकता है अलग अलग प्लान करने जाओगे तो. आखिर में क्या है कि जब कोरिलेट करते हैं सब सीक्वेंस को, तो ये सेम टू सेम प्लान रहेगा तो ही कोरिलेट होगा. एक्सियल T1 कॉपी RX, एक्सियल फ्लेयर को लिया, एक्सेप्ट. SNR को रीसेट कर देना, सेव RX हो गया. ग्रेडियंट को डबल क्लिक, कॉपी RX, एक्सियल को लिया, एक्सेप्ट. SNR 100 ही होना चाहिए, सेव RX, ओके. वैसे प्लान हो गया एक्सियल T2, एक्सियल फ्लेयर, एक्सियल DWI, एक्सियल T1, एक्सियल ग्रेडियंट, ये सब एक्सियल प्लान हो गया. अभी प्लान करते हैं कोरोनल फ्लेयर, डबल क्लिक, ओपन किया, साइज पे रख दो. कोरोनल के विंडो को देख लेना, स्ट्रेट होना चाहिए. एक्सियल पे भी स्ट्रेट कर देना. सैज पे इसको एंगल कैसे देना है, ये अपना सर्वाइकल कॉर्ड रहता है ना, उसके ऊपर से ऐसे टिल्ट देना. ये देखो, एक जो इमेज है ये सर्वाइकल कॉर्ड से जा रहा है. थोड़ा मैं स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ब्रेन कवर नहीं हो रहा है, ओके. थिकनेस को कभी भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, उससे क्वालिटी डिग्रेड होता है. देखो, ये कोरोनल फ्लेयर का टिल्ट, सर्वाइकल कॉर्ड जो रहता है ना, यहाँ से इसका एक इमेज जाना चाहिए, वो एंगल से ही कोरोनल प्लान करना, ठीक है.
SNR reset save RX coronal plan. अभी Sagittal T2 कैसे प्लान करते हैं? यहाँ पे एक्सेल जो भी अपने पास आया है ना T2 उसको डाल दो एक्सेल विंडो में. ओके, पहले वन इमेज कर देना, इसको मिड प्लेन में से Sagittal क्यों लेते हैं आपको पता होना चाहिए कॉर्पस कैलोजम के लिए. तो एक इमेज परफेक्टली कॉर्पस कैलोजम पे जाना चाहिए. ओके, कोरोनल पे भी इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देते, फिर 15 इमेज नहीं तो 20 इमेज आप डाल सकते हो. कुछ लीजन रहा तो 20 इमेजेस करके पूरा प्रिंट कवर करो, अदरवाइज ओनली फॉर मेडुला सीवी जंक्शन एंड कॉर्पस कैलोजम. ओके, मैंने 15 इमेजेस ले रहा हूँ, ये Sagittal का प्लानिंग हो गया है. ओके, ऐसे ना रीसेट कर दो सेव आरएक्स. कोई भी स्कैन करो तो सबसे पहले हिस्ट्री जरूर ले लेना, उससे स्कैन में आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा. अभी ये पेशेंट को कंप्लेन है गिडीनेस क्वेश्चन मार्क टी आई है. अभी सबसे पहले मैं डिफ्यूजन देख लूंगा कि एक्यूट इन्फार्क्ट तो नहीं है. ओके, एक्यूट इन्फार्क्ट मिल जाता है तो फिर कोरोनल डिफ्यूजन में नहीं लेता, और सपोज गिडीनेस का कंप्लेन है और एक्यूट इन्फार्क्ट नहीं मिल रहा है तो फिर देन आई विल गो फॉर कोरोनल DWI, क्योंकि इससे मेडुला वगैरह चेक करना है. जैसे कोरोनल फ्लैट का प्लान किया है ना उसको वही सेम एंगल पे डिफ्यूजन को प्लान करना है. यहाँ से सर्वाइकल कॉर्ड जो रहता है अपना उसका एंगल पे सेरिबेलम पॉन्स मिड ब्रेन और मेडुला इतना कवर कर लेना. मेनली मेडुला चेक करने के लिए मैंने कोरोनल डिफ्यूजन प्लान किया है. ओके, सेव आरएक्स. ये हो गया पूरा ब्रेन स्कैन का प्लानिंग. ये अभी देखते हैं डिफ्यूजन इमेजेस आ गया है मेरे पास. पेशेंट को कंप्लेन है गिडीनेस, पेशेंट एज है 79. ये आप देख सकते हो कि राइट सेरिबेलम में मल्टीपल एक्यूट इन्फार्क्ट्स है. ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे दूसरे पैराइटल में भी इन्फार्क्ट है लेफ्ट साइड में, वो हम ADC बना के चेक कर लेंगे कि एक्यूट है या सब एक्यूट है. ADC बनाते हैं फंक्टूल मैप में जाके. ओके, बहुत ही सिंपल है ये जी का मशीन, 1.5 टेस्ला वीवो MR355. बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इजीली हो जाता है, बहुत इजी है. और ये मेरा टेक्निक जो मैंने आपको बताया है, ये देखो यहाँ पे सेरिबेलम में ADC में हाइपोइंटेंस है, ट्रीटमेंट्स फ्रेश एक्यूट इन्फार्क्ट. तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको जो कुछ समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.